alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Uh, students, uh, it's your chemistry class time. Please open your textbook. Grade 8, te textbook of chemistry. Uh, open your chapter number 1 and that is the fundamentals of chemistry and page number 21. कल हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा था ठीक है केमिकल फार्मूला में हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा एंड मोलिकुलर फार्मूला ठीक है टू टाइप्स हमने पढ़ी थी कल हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक मोलिकुलर फार्मूला फर्स्ट वी डिफाइन द मोलिकुलर फार्मूला कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है ठीक है हमने एम्पेरिकल फार्मूला ये पढ़ा था कि दैट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो ठीक है सिंपलेस्ट ट्रेशो होती है एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट ट्रेशो हमें देता है एम्पेरिकल फार्मूला सो नाउ वी सी दैट व्हाट इज़ मालिकुलर फार्मूला फर्स्ट वी डिफाइन मॉलिकुलर फार्मूला मालिकुलर फार्मूला शोज़ दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलीक्यूलर ऑफ दैट कंपाउंड मालिकुलर फार्मूला हमें क्या शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ किसी भी कंपाउंड में ठीक है कितने एटम्स हैं एक्चुअल मीन्स के एग्जैक्ट वैल्यू हमें वो देता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं कितने एटम्स हैं ये हमें बताता है ठीक है कि किसी एक कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कितने एलिमेंट्स एटम्स प्रेजेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्व सिक्स सो द मोिकुलर फार्मूला ऑफ एंजीनिस सी सिक्स एच सिक्स मालिकुलर फार्मूला इज़ डिराइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप अब मालिकुलर फार्मूला जो होता है वो कहाँ से कैसे डिराइव होता है एम्पेरिकल फार्मूला थ्रू एम्पेरिकल फार्मूला वी कैन फाइंड द मालिकुलर फार्मूला ठीक है फर्स्ट मालिकुलर फार्मूला का अगर हम फार्मूला uh, देखें तो ये होता है मालिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एन इन ब्रैकेट्स एम्पेरिकल फार्मूला सो वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन ओके एंड एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी उसका किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हम लिखेंगे ठीक है मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पेरिकल फार्मूला वेयर एन इज़ द इन दिस ओके सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पेरिकल फार्मूला फार्मूला पुट किया नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे अब इस केस में हमारे पास एन को हमने ले लिया सिक्स ठीक है हमने बेंजीन लिया ठीक है बेंजीन लिया तो बेंजीन को हमने लिया और बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला हम फाइंड कर रहे हैं ठीक है थीके? तो एंड हमारे पास क्या है सिक्स ठीक है मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू सिक्स एन एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बेंजीन का सी एच हमने फाइंड किया था मालिकुलर फार्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स दिस सिक्स इज़ मल्टीप्लाई विथ सी एंड दिस सिक्स सिक्स आल्सो मल्टीप्लाई विथ एच ये सिक्स सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया ये सी ये सिक्स एच के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास मालिकुलर फार्मूला आ गया है जिसे हम कह क्या है बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स हम ऐसे मालिकुलर फार्मूला फाइंड करते हैं ठीक है पहले हम किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे ठीक है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और मालिकुलर फार्मूला हमारे पास खुद बहुत आ जाएगा सो so, नीचे क्या लिखा हुआ है देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला में भी सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला फ्यू कम्पाउंड शोइंग एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला टेबल 1.7 अब नाउ मूव टू पेज नंबर ट्वेंटी एंड एम्पेरिकल फार्मूला मालिकुलरमूलाट सी फर्स्ट इज़ द एसेटिक एसिड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक सी एच टू ओ एंड द एम्पेरिकल फार्मूला इज सी एच थ्री सी डब्लो एच एंड इन ब्रैकेट सी टू एच फोर ओ टू नेक्स्ट एसीटाइलिन एम्पेरिकल फार्मूला सी एच मॉलिकुलर फार्मूला सी टू एच टू ठीक है आपको याद है कि सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है देन उसका रेशियो निकालना है देन एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है नेक्स्ट बेन्न सी सिक्स सी एच एंड द मॉलिकुलर फार्मूला इज सी सिक्स एच सिक्स फोर्थ वन इज ग्लूकोज Empirical formula CH2O, and we know that the molecular formula of glucose is C6H12O6. Number 5th, hydrogen peroxide, empirical formula HO, molecular formula H2O2. Number 6th, sulfuric acid, empirical formula H2SO4, and the molecular formula H2SO4 iron oxide empirical formula fe2o3 molecular formula fe2o3 ammonia empirical formula nh3 molecular formula is same nh3 methane empirical formula ch4 and the molecular formula is also same ch4 water h2o and the molecular formula is h2o so we next we move from the formula unit फर्स्ट वी डिफाइन दैट वट इज़ अ फार्मूला यूनिट फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड श्वाइंग द सिम्पलाइ स्ट्रेस बिटवीन द आइंस फार्मूला यूनिट आपके पास क्या होता है फार्मूला यूनिट जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं ठीक है जिनमें वो कंपाउंड जिनमें आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट उनका जो फार्मूला यूनिट होता है उससे हम बता सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है

क्रिस्टल जिसमें आपके पास पॉजिटिव एंड सी ये होते हैं है. इसकी रेशो होती है 101, और फार्मूला आपके पास पता है आपको क्या है एनएसरली के सी एल पोटासियम क्लोराइड के इज द पोटाशियम एंड सी एल इज द क्लोराइड फार्मूला यूनिट ऑफ पोटासियम क्लोराइड अब देखिए यही है पोटासियम क्लोराइड में भी यूज हो रहा है ठीक है केक पोटाशियम के साथ भी यूज़ हो रहा है ठीक है एंड दे एंड यही जो सी एल है दैट सी एल इज़ आल्सो यूज विद एन ए विथ सोडियम तो ये होता है फार्मूला यूनिट के बार बार ये जो यूनिट है आपके पास ये जो कंपाउंड है ठीक है ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है दैट इज़ दैट इट टेक केयर अल्लाह हाफिज़